أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. question number first, इससे पहले के वीडियो में हम question number first का ए समझ चुके हैं कि 16 मार्क आएगा. अब question number first का जो बी है, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा. इसमें हमें 4 मार्क के लिए ग्रामर पूछा जाएगा. इस ग्रामर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसमें तीन स्टेप दिए जाएंगे. इसमें तीन स्टेप दी जाएंगे. पहले वाली स्टेप जो हमें दी जाएंगी वो होगा मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज. फ्रेज का इस्तेमाल करके यानी मुहावरे का इस्तेमाल करके एक हमें मीनिंगफुल जुमला बनाना है, जो एक मार्क के लिए. दूसरे एक्टिविटी हमसे पूछ जाएंगे एड अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, यानी प्रीफिक्स सादे के एंड सफिक्स अल्लाह के को ऐड करके जोड़कर नए जुमले नए अल्फाज बनाए. एंड पिक द रूट ऑफ वर्ड्स एंड यूज वन ऑफ इट इन योर ओन सेंटेंस. और एक वर्ड का इस्तेमाल करके हमें एक जुमला बनाना है, सेंटेंस बना सकते हैं. ये दो मार्क. तीसरी एक्टिविटी जो हमसे पूछी जाएगगी एड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली. मेन क्लॉज दिया जाएगा और हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड करके जुमले को एक्सपांड करना, थोड़ा बड़ा करना है, फुल सेंटेंस बनाना है. इस तरह से ये एक्टिविटी एक मार्क में पूछी जाएगी. इस तरह ये एक्टिविटी 4 मार्क में हो जाएगी. आइए अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. पहली एक्टिविटी है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज. अब इसे फ्रेज दिया गया है गिव अप. गिव अप का मतलब होता है छोड़ना. इसका इस्तेमाल करके हमें जुमला बनाना है. अब इसको किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, ये मुहावरे हमें कहाँ से पूछे जाएंगे, आइए हम इसको देखते हैं. इन दिस एक्टिविटी अ फ्रेज फॉर्म द कोर्स बुक विल बी गिवन. तो फॉर्म हमें मीनिंगफुल सेंटेंस यानी जो फ्रेज हमें दिया जाएगा वो कोर्स बुक में से ही दिया जाएगा. यू शुड नो द मीनिंगफुल ऑफ द फ्रेज क्लियरली एंड करेक्टली. जो फ्रेज जो हमें दिया जाएगा हमें उसकी मीनिंग करेक्टली और क्लियरली पता होना चाहिए. वाई की मीनिंग द जब हम जुमला बनाएंगे तो हमें फ्रेज का मतलब मालूम होना चाहिए. मेक श्योर द यूज ऑफ प्रॉपर टेंस व्हाइल परफॉर्मिंग द सेंटेंस. और जब हम जुमला बनाएंगे तो हमें टेंस की भी प्रॉपर यूज मालूम होना चाहिए. अब देखिए सेंटेंस बनता है डोंट गिव अप होप गुड डेज आर ऑलवेज क्लोज. उम्मीद को मत छोड़ो, अच्छे दिन हमेशा होते हैं. इस तरह ये एक मार्क में भी पूछी जाएगी. Activity number 2. Add a prefix and suffix to make a new word and pick the root word and use one of it in your own sentence. यानी activity number 2 जो होंगे हमें इसे root word दिया जाएगा, original word दिया जाएगा. इसे हमें prefix यानी सादे के और suffix लाह के बनाने के लिए कहा जाएगा और एक नया word बन जाएगा. या फिर सादे के और लाह के दिए जाएंगे, हमें root word बनाने के लिए कहा जाएगा और उसमें से किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल करके यूज वन ऑफ इट इन योर ओन सेंटेंस खुद का जुमला बनाना होगा. टू वर्ड्स विल बी गिवन इन दिस एक्टिविटी. दो वर्ड्स दिए जाएंगे. न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स हैव टू बी फॉर्मड यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स. न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स यानी दो नए अल्फाज में बनाना होगा. हैव टू बी फॉर्मड यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स. टू दिस या टू वर्ड्स विद प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोवाइडेड. ये दो वर्ड हमें ऐसे दिए जाएंगे जो प्रीफिक्स पहले से होंगे और सफिक्स पहले से होंगे. एंड यू आर आस्क्ड टू राइट द रूट वर्ड और हमें ओरिजिनल वर्ड लिखना होगा. यू आर देन एक्सपेक्टेड टू मेक योर ओन सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ वर्ड इन वर्ड में से यानी जो दो दिए जाएंगे दो हमको नहीं बनाना होगा. इस 4 वर्ड में से हमें एक वर्ड का इस्तेमाल करके हमारा खुद का जुमला बनाना होगा. इस तरह ये एक्टिविटी 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी. एक्टिविटी नंबर 3. अब इसको समझते हैं. जैसे रेगुलर वर्ड दिया गया है और ऑपरेट वर्ड दिया गया है. रेगुलर और ऑपरेट. रेगुलर से इसे हम प्रीफिक्स बनाएंगे, ये बन जाएगा इररेगुलर. प्रीफिक्स यानी साबे के पहले जुड़ने वाले अल्फाज, सफिक्स बाद में ऐड होने वाला वर्ड. ऑपरेट से बना ऑपरेशन. इस तरह ये एक मार्क हो गया. अब इन 4 में से किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल करके हमें खुद का एक सेंटेंस बनाना होगा. एक मार्क हमें इसमें मिलेगा. इस तरह ये एक्टिविटी हमें 2 मार्क के लिए दी जाएगी.
माई फादर स्कोल्डेड मी फॉर माई इररेगुलर, मेरे वालिद हमेशा मुझे खाने को इररेगुलर मील्स बराबर टाइम पर ना खाने की वजह से डांटते रहते हैं। मैं खाना जो खाता हूँ वक्त पर नहीं खाता, इसीलिए मेरे वालिद मुझे डांटते रहते हैं। इस तरह ये एक्टिविटी हमें दो मार्क के लिए पूछी जाएगी। एक्टिविटी नंबर थर्ड, ये एक मार्क लिए एट क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी हमें क्लॉज दिया जाएगा, मेन क्लॉज दिया जाएगा और सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करके हमें एक नया जुमला मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। इन दिस एक्टिविटी वन मेन क्लॉज विल बी गिवन, एक मेन क्लॉज दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सपांड इट, उसे बड़ा करने के लिए हमें एक्सपांड करने के लिए कहा जाएगा इट बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ने के लिए कहा जाएगा या फिर वर्ब क्लॉज को जोड़ने के लिए कहा जाएगा टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और ऐसा जुमला बनाए जिससे कुछ मतलब निकलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। दस, इट इज नेसेसरी टू नो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द थ्री क्लॉजेस, हमें तीनों क्लॉज के बारे में मालूम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड ऑल्सो नो द लिंकिंग वर्ड्स टू बी यूज्ड टू एक्सपांड दिस सेंटेंस, इस जो तरह की जुमले बनाने के लिए हमें लिंकिंग वर्ड्स की मालूम रखना चाहिए। अब लिंकिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं पहले नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में जो वर्ड का इस्तेमाल करके हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं वो है डेट, आल्सो, व्हाट, हाउ, हाय का इस्तेमाल करके हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हम हु, विच, डेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वेयर, व्हेन, हूज, होम, व्हाय का भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए हमें व्हेन, वेयर, सिंस, एज सून एज, बिकॉज, एज, दो, अल्दो, इस तरह ये वर्ड का भी इस्तेमाल करके हम एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। अब देखिए हमें एक क्लॉज दिया जाएगा, ये क्लॉज दिया है द मैन लॉस्ट द बैग, आदमी ने बैग खो दिया, आदमी ने बैग खो दिया। अब आगे का जुमला ब्लैंक है यानी हमें आगे क्लॉज को जोड़ना है। अब हम इसको जोड़ लेंगे द मैन लॉस्ट द बैग विच